हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निसार एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग का महत्व क्या है, इसके फॉर्मेट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, एंड एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से आर्टिकल राइटिंग आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग आखिर में होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिसर्च या रिटन वर्क में आर्टिकल राइटिंग का काफ़ी महत्व होता है। आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल राइटिंग करने होते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग इस तरह से काफ़ी महत्व रखता है। आर्टिकल राइटिंग से ये पता चलती है कि हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारे पास कितने अच्छे थॉट्स है, और हमारे पास हमारे जो ग्रामर है वो कितनी अच्छी है, हमारे पास कितनी अच्छी वोकैबुलरी है। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को सबसे पहले डिफाइन करना है, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स बताने हैं, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम तो बता दिए, अब क्या करना है, सॉल्यूशन देना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, उससे क्या क्या उससे रिलेटेड कौन कौन से हानियाँ हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, फिर कोटेशन का भी यूज़ करना है। कुछ कुछ कोटेशन यदि आपको अच्छा लगता है सेंटेंस के बीच में तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ या तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप जो है कोटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही बात इम्पॉर्टेंट थिंग्स की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम देख लेते हैं कि हम जब आर्टिकल राइटिंग करेंगे एग्ज़ाम में तो उसका फॉर्मेट हम कैसे तैयार करेंगे। तो उसका जो फॉर्मेट होता है काफ़ी आसान होता है आर्टिकल राइटिंग का। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सबसे ऊपर में आपको लिखना होगा हेडिंग। अब ये जो हेडिंग है या फिर इसी को कहते हैं टाइटल, तो ये हेडिंग या फिर टाइटल सबसे ऊपर में होगा। जैसे टेलीविज़न पे आपको लिखना है तो टेलीविज़न आपका हेडिंग हो जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर पे लिखना है तो न्यूज़पेपर हो जाएगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड लिखना है तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन आपका टॉपिक या हेडिंग हो जाएगा, तो ये आपका सबसे ऊपर में होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और है कि आर्टिकल राइटिंग एंड एसे राइटिंग में अंतर क्या है। तो एसे राइटिंग में क्या होता है कि एसे राइटिंग में आप जो है टॉपिक वाइज लिखते हैं, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आपको टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ऊपर में आप लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बाय और राइटर का नेम, किसका नाम लिखेंगे, राइटर, राइटर कौन है जो लिखने वाला है उनका नाम आप लिखेंगे, राइटर का नेम। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे बॉडी, यानी जो मेन जो चीज़ें हैं, मेन कंटेंट है वो क्या है हमारे आर्टिकल राइटिंग का, इसे लिखेंगे। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो ये रहा आपका एक तरह से फॉर्मेट, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, आर्टिकल राइटिंग करने हैं। तो आर्टिकल राइटिंग करने के लिए इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए या बॉडी में जो टॉपिक लिखते थे, जैसे वंडर ऑफ साइंस में हम लिख रहे हैं, है ना, तो जैसे आप टॉपिक वाइज लिख रहे थे ऐसे टॉपिक वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इट मीन्स आपको इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी टॉपिक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है उस टॉपिक से रिलेटेड एक पैराग्राफ पे इंट्रोडक्शन देंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे, और जो बॉडी है, बॉडी लगभग यानी आपको कम्प्लीटली कितने पैराग्राफ में लिखने हैं, आपको कम्प्लीटली 3 से 4 पैराग्राफ में या 5 पैराग्राफ में आपको कम्प्लीटली लिखने हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये, उसके बाद इंट्रोडक्शन या इधर कंक्लूजन, तो ऐसे आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे ऊपर में हेडिंग टाइटल, फिर किसके द्वारा लिखा गया, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके जो चीज़ें हैं, डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं, एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर लाइफ इन अबाउट 250 वर्ड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का महत्व। अब ये हमारा क्या है, टॉपिक है।
ये हमारा क्या रहेगा, टाइटल रहेगा। अब इससे रिलेटेड हमें चीज़ों को लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने से पहले आप सबसे पहले आप जो है अपने टेंस को स्ट्रॉन्ग करिए। टेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अपने ग्रामर पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ग्रामर के कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करिए, जैसे एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस है, उसको यूज़ करिए। वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपने वर्ड पावर को बढ़ाइए, और कंजंक्शन का यूज़ करना सीखिए। जैसे आप सेंटेंस बनाते हो तो कुछ कुछ वर्ड है, जैसे बट का यूज़ कर सकते हैं, एंड का यूज़ कर सकते हैं, दो का यूज़ कर सकते हैं, है ना, अल्दो का यूज़ कर सकते हैं, और किसका यूज़ कर सकते हैं, अनलेस का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कंजंक्शन, एज सून एज फॉर एज मच एज, इस तरह के जो वर्ड्स है, नोट ओनली बट आल्सो सो दैट, ऐसे कंजंक्शन का यूज़ करना आप सीखिए। तब आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है तो बताओगे ना कि न्यूज़पेपर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड, ऐसा आप जो है आप सेंटेंसेस बनाओगे। ओके, सो दो बट अल्दो जो भी चीज़ें इनका आप यूज़ करिए। इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर डेली, You can explore your knowledge। इस तरह से आप क्या करोगे, sentences बनाइए if का unless का use करके। तो ऐसे आप क्या करना है, आपको article लिखने हैं, और यहाँ पर लिखा जाता है लगभग 250 words में आपको लिखने हैं। तो आप 250 words में लिखिए, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम नहीं लिखना है। ऐसे आपको लिखना है तीन चार पाँच पैराग्राफ में आपको कंप्लीट कर देने हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है ऐसे ही रहेगा, सबसे ऊपर में हेडिंग या टाइटल, यानी जो टाइटल यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर लाइफ, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। फिर बाय किसके द्वारा लिखा गया, उनका नाम लिखेंगे नीचे में। फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन अब हम लिखते हैं। ये लिखा हुआ है देखिए, सबसे ऊपर में इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर लाइफ, हेडिंग या टाइटल, उसके बाद किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा, तो बाई राम इधर बगल में लिख देंगे। अब उसके बाद हम जो है क्या लिखेंगे, तीन चार पाँच पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल है, देखिए फर्स्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है लगभग इंट्रोडक्शन में हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। टुडेज वर्ल्ड इज रूल्ड एंड रन बाय मीडिया, मीडिया प्रोवाइड्स अस विद द अप टू डेट इंफॉर्मेशन, एंड न्यूज़पेपर इज द oldest family member of media today, though there are many fast methods of gaining information, still newspaper has its own place and importance in our life of men, in the life of men। तो इस तरह से हमने क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लगभग दिया हुआ है इंट्रोडक्शन न्यूज़पेपर के बारे में। देखिए आज के ज़माने में टेलीविज़न, मोबाइल, हर चीज़ें हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब चीज़ का ज़माना है, ये हर चीज़ें, यानी जो साइंस है उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, ढेर सारी चीज़ें हमारे पास, इसके बावजूद भी न्यूज़पेपर का महत्व है हमारी लाइफ में। अभी भी न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, रीज़न है ना, तो उसका महत्व है हमारी लाइफ में। तो इसीलिए आप उस चीज़ को इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे कि इसका महत्व है, अभी भी जीवित है, तो ऐसे आपको बताना है इंट्रोडक्शन के माध्यम से। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बॉडी, टाइटल, फिर बाई किसके द्वारा लिखा गया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी में आप जो भी चीज़ें लिख सकते हो, जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है आपके पास, जो भी चीज़ें आप जानते हो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स क्या है, इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या नेगेटिविटीज़ है न्यूज़पेपर में, इन सारे चीज़ों को आप अपने वर्ड्स पे, अपने शब्दों में क्या करेंगे, आगे लिखते जाएंगे, दो तीन पैराग्राफ में आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, थस वी कैन सी हाउ द न्यूज़पेपर सर्व्स द नेशन एंड आल्सो हेल्प्स इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। इस तरह से तीन चार लाइनों में, दो तीन लाइनों में आप कंक्लूजन दे देंगे कि अभी भी इसका महत्व है। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा और जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा वो लगभग सेम होगा, इसमें जो है आपके जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड एकदम सार दिया जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं,
आर्टिकल लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो ये तो रही बात न्यूज़पेपर की, अब हम और देख लेते हैं एक जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण, अब इससे रिलेटेड आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे आपने लिखा टॉपिक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाई करके आप लिखेंगे राइटर का नाम, उसके बाद आगे आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जो भी है आप लिखेंगे बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कॉज ऑफ पॉल्यूशन यानी टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टॉपिक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा हमने शुरू में देखा हुआ है ऐसे ही आपको आर्टिकल राइटिंग करने हैं। ऐसा यदि आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज या कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ऐसा यदि आप लिखते हैं तो फिर ये ऐसे टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको नहीं करना है, तो जो शुरू में हमने देखा हुआ जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। लेकिन आपको याद रखना कि हाँ ये वाला हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कारण क्या है, इसको आपको देखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे सारी चीज़ें, बॉडी लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप कंक्लूजन लिख देंगे कि क्या है कैसे है। तो एक बार देख लेते हैं, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एजेंसीज लाइक UNO एंड अदर बॉडीज आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, इंडीड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली बाय मेकिंग कंबाइंड एफर्ट्स, वी मस्ट लीव द फ्यूचर जनरेशन अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। तो इस तरह से हम जो है अंत में जो है चीज़ें दे देते हैं, यानी कंक्लूजन सार दे देते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले जनरेशन को हम क्या देने वाले हैं। हम प्रदूषण, पॉल्यूटेड जो वर्ल्ड है, प्रदूषित वातावरण है, इन सारी चीज़ों को हम देने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। लास्ट में हमें आपको बताना, हमें जो है अपने अपने वर्ड के माध्यम से कंक्लूजन में देना है कि नहीं, हम अपने आने वाले जनरेशन को ग्रीनर वर्ल्ड देंगे, एकदम स्वच्छ फ्रेश वातावरण देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को। तो ऐसा आप क्या करेंगे, एक तरह से आप बताएंगे कंक्लूजन के माध्यम से। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बीच में आप जो भी चीज़ें लिखना है लिख लेना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, पॉइंट्स नहीं डालने पड़ेंगे, आपको पॉइंट नहीं डालना है, आप ऐसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो हो गया, ये आपका आया हुआ है। और एक है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और एक है एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हमने जितने भी टॉपिक्स देखे हुए हैं इनसे रिलेटेड आप आर्टिकल्स एक बार पढ़ लीजिए, आप अपना वर्ड पावर बढ़ाइए, अपना वोकेबलरी आप बढ़ाते जाइए, अपनी वोकेबलरी बढ़ाते जाइए, ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, टेंस का यूज़ करिए, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आर्टिकल राइटिंग का आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।